दुनिया बालों से प्रेम क्यों करूं, परिवार वालों से प्रेम क्यों करूं, घर वालों से प्रेम क्यों करूं, मैं तो भगवान से प्रेम करूंगा जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वेद पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति गंगा के किनारे मरता है उसे मुक्ति मिल जाती है। गंगा माँ की बहुत बड़ी महिमा बताई, दृष्टवा जन्म संत पापा, कहा है कि गंगा माँ के जो भी मनुष्य दूर से गंगा जी के दर्शन कर लेता है शुद्ध भाव से, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है गंगा माँ की। तो परीक्षित महाराज जी चाहते थे मुझे भक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तो मुक्ति की जरूरत है, मेरा किसी तरह से कल्याण हो जाए। क्यों लिखा है कि भागवत की बहुत बड़ी महिमा बताई, कोई भागवत ऐसा छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। कहते हैं कि भासते सर्व वेदसु, गायन्ति नारदेषु, वदन्ति सर्व देवसु, तरन्ति भवसागरम्। चार वेद छह शास्त्र 17 पुराण, 8वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। गायन्ति नारदेषु, वदन्ति सर्व देवसु, तरन्ति भवसागरम्। जो भी मानव एक मन लगा करके सुंदर भाव से भगवान का स्मरण करता है, कथा को श्रवण करता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। इस कल काल में कहते हैं कि कलयुग है एक नाम अधारा, और सुमर सुमर नर उतर है पारा। इस कल काल में स्मरण मात्र से मानव का कल्याण हो जाता है। तो परिचित ने सोचा भगवान से प्रेम करेंगे। ओ भैया आजकल अगर काऊ दादा को पता चल जाए कि मुझे 7वें दिन मरना है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा करो अब जंगल में भेज दो भगवान का भजन कर लें। कहेंगे लला ऐसा करो बढ़िया बुलेरो मंगवाओ, अच्छे कपड़ा पहना और हमें ससुराल में घुमाए दे, क्योंकि हमें 7वें दिन मरना है। लेकिन परीक्षित के मन में ऐसा भाव नहीं आया, विचार किया है कि सारा जीवन निकल गया मोह माया में पड़े, कुछ नहीं मिला, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। तो आप लोग भी 2 मिनट के लिए तालियां बजा के भगवान का नाम बुलाएंगे सभी भक्तगण।